हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर नगर निगम में नवनियुक्त सफाई कर्मचारियों को जॉइनिंग 1 अक्टूबर से। नगर निगम हाल ही में लॉटरी में सफल रहे 1950 नवनियुक्त सफाई कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से जॉइनिंग देने का काम शुरू करेगा। इसके लिए इन सफल आवेदकों की निजी पत्रावलियों को तैयार करने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच का काम सफल आवेदक अपने स्तर पर करवा रहे हैं। ऐसे सफल आवेदकों की पत्रावलियों को तैयार करते समय जो भी त्रुटियां सामने आई हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। कुछ आदेशों में जन्मतिथि और पते से संबंधित कई त्रुटियां भी सामने आई हैं, उन्हें भी ठीक करने का काम किया जा रहा है। इधर सेनेटरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश तेजी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आयुक्त दुर्गेश कुमार बिस्सा से मिला तो उन्होंने बताया कि निगम 1 अक्टूबर से नवनियुक्त सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद ज्वाइनिंग भी दे देगा। निगम ने 6 कर्मचारियों की भर्ती सेल में ड्यूटी लगाई है। ये कर्मचारी सफल अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश के साथ मूल आवेदन पत्र में दस्तावेज संलग्न कर वर्गवार पत्रावली तैयार करवा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की मूल आवेदन पत्रों की स्कैनिंग में ओसवाल डेटा की सहायता कर डिजिटल डेटाबेस भी तैयार करने में जुटे हैं। इस सेल में किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या बाहर के व्यक्ति का प्रवेश निषेध किया गया है। एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश बरासा ने आयुक्त से कहा कि नवनियुक्ति सभी सफाई कर्मचारियों से सफाई कर्मचारी के पद का ही काम करवाया जाए। इसके साथ ही महिला सफाई कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के नजदीक वार्ड में पद स्थापन करने की भी मांग की है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।